एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही बम्पलाइट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं डायमंड हंट का बेस्ट ट्रिक और उसके साथ साथ जो न्यू इवेंट आया है विशिंग लल ट्रेन। तो इस दोनों एप्लीकेशन मतलब दो इवेंट का एकदम से कॉम्बिनेशन है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली है। दोनों इवेंट को खेल करके आसानी से पर डे का 1000 से 2000 डायमंड आराम से कलेक्ट कर सकते हो। डायमंड हंट का कुछ सीक्रेट ट्रिक आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, और साथ साथ जो विशिंग लैट्रेन है जो न्यू इवेंट है इस ओला पार्टी का, आप लोगों को इस इवेंट के बारे में एकदम से सही और डीपली बताने वाला हूं कि क्या इस इवेंट को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो चलते हैं उस जगह पे जहां पे ये वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो लेट्स गो। विशिंग लैट्रेन ये जो न्यू इवेंट आया है, इस इवेंट को खेलने के लिए डायमंड हंट का सहारा लेना पड़ेगा, जिस तरीके का मैं डायमंड हंट का सहारा लिया। चलो मैं एंट्री किया डायमंड हंट में और 250 डायमंड में लगा दिया, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई पेस्ट नहीं है, एकदम से लाइव और रियल दिखा रहा हूँ। टाइमिंग आप देख सकते हो 12:36, ठीक है। तो आपको इस डायमंड हंट में आप लोगों के बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके आप डायमंड जीत सकते हो, नहीं तो आप लोगों को हार ही हार होगा। चाहे आप डाको डायमंड से खेलोगे तब भी आप हार जाओगे, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले पैसेंस रखना है और दिमाग लगाना है। जिस तरीके से अगर मैं खेल रहा हूँ, इसी तरीके से अगर आप लोग खेलोगे तो मैं चैलेंज करता हूँ, 1000 डायमंड है तो 2000, 15000, 2000, 3000 डायमंड आराम से आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन साथ साथ पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये डायमंड हंट में एंट्री किया हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके से डायमंड लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है। 12:00 से 12:30 के बीच में अगर आप लोग लगाते हो तो ऊपर वाला चांसेस ज़्यादा रहते हैं ओपन होने का, ठीक है। तो इसी टाइम का फ़ायदा उठाने के लिए मैं इस डायमंड हंट से खेल रहा हूँ, ठीक है। और बेफिक्र होकर के, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 1750 डायमंड, 0 से 500 डायमंड से 1750 डायमंड हो गया। आप लोगों को रियल दिखा रहा हूँ ये डायमंड हंट, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से खेलते हो तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन ट्विट कब करना है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो ये मैं हार गया, मतलब 150 डायमंड हार गया। अभी क्या करना है, अभी हम यहाँ से बैक मारना है। बैक मारने के बाद विशिंग लैट्रेन जो न्यू इवेंट आया है, इस इवेंट में हमें घुस जाना है। ये देखो हम खेल करके तीनों क्लेम, मतलब मैं क्लेम कर सकता हूँ ये सारे गिफ्टिंग बैकग्राउंड्स और इंट्रेंस फ्रेम, ये सब कुछ हमें मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्लेम भी करके दिखा देता हूँ। ये क्लेम हो गया, सब कुछ मिल गया हमें, ठीक है। लेकिन इस डायमंड हंट को कैसे खेलना है और इससे बेनिफिट हमें बैकग्राउंड मिला है, इंट्रेंस मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसे खेलना कैसे है आप लोगों को मैं क्लियरली दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से आप लोगों को गिफ्टिंग मिलेगा, आप लोगों को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। डायमंड ड्रॉ करना होगा, ये 3 डायमंड का है या फिर आप 30 डायमंड का। तो मैं 30-30 डायमंड का घुमा रहा हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं इस इवेंट को खेलने में, सिर्फ नुकसान है। मतलब अगर आप खेल रहे हो इस डायमंड को तो आप अपने रिक्स पे खेलो, क्योंकि ये 80% डायमंड अपने पास रखता है और सिर्फ 20% आप लोगों को गिफ्ट करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5000 डायमंड का लालच के चक्कर में बहुत सारा डायमंड नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये डायमंड सबसे रद्दी और महा बकवास ये इवेंट है। इस इवेंट को ना खेले तो बेहतर होगा। अगर फ्री का डायमंड से अगर आप खेलते हो तो चलो ठीक है, नुकसान नहीं है। और वो फ्री का डायमंड तभी आएगा जब आप डायमंड हंट का एकदम से सही उपयोग करोगे, तभी जा करके आप लोगों को ये इवेंट का फायदा हो सकता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ये देखो ये सारे क्लेम करने के लिए दोनों ओपन हो चुका है, 1 और 2, ठीक है। ये तीसरा, ये 30 डायमंड का जो है तीसरा लास्ट हो रहा है। इसके बाद से फिर नेक्स्ट डे आपको फिर से दूसरा वाला खुलेगा, जो कि उसको भी कंप्लीट करना। तो मतलब टोटल गिफ्टिंग आपके पास आ जाएगा, तब जा करके 5000 डायमंड आप लोगों के खाते में आएगा। उसके लिए आप लोगों को 1 लाख से ऊपर डायमंड वेस्ट करना पड़ेगा, बर्बाद करना पड़ेगा, तभी जा करके आप लोगों को 5000 डायमंड आएगा। तो इससे घटिया और इससे बेहुदा इवेंट तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। अगर लोग कहते हैं कि नहीं मैं 5000 कलेक्ट कर लिया, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, वो आप लोगों को चूतिया बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को सही राय दूं, सही सजेशन दूं,
और तो और जो डायमंड हंट का जो मैं स्पेशल चीज बताया हूँ उस चीज को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो मैं चैलेंज करता हूँ 1000 से 2000 डायमंड करने में आप लोगों को चन भर भी टाइम नहीं लगेगा और आराम से हो जाएगा जिस तरीके से मैं करके दिखाया हूँ। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो को तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वीडियो का नाम है कि अपने आईडी पे मतलब दूसरे एक आईडी से दूसरे आईडी पे डायमंड ट्रांसफ़र कैसे करें, वो वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। और साथ साथ ये मैं बता दूँ कि जो बंदे डायमंड सेल करते हैं, जो भी आपके ये लुटेरे लोग सेल करते हैं गिफ्टिंग, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि गिफ्टिंग ना सेल करके डायरेक्टली आप डायमंड सेल कर सकते हैं, वो मैं ट्रिक आप लोगों के सामने रखूँगा। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।